नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। इसका नाम है हिस्ट्री विद बिष्णु। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोस्ट वांटेड 25 क्वेश्चंस जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आ सकते हैं, आते हैं वहाँ से ही क्वेश्चंस, नेट हो या सेट एग्जाम हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हड़प्पन से पहले जो प्री हिस्ट्रिक टाइम था, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज, यहाँ से कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये 35 क्वेश्चंस को रट लिया है तो मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन छूट जाएगा नीट या सेट में, ये बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन से वो 35 क्वेश्चन है जिनको रट लेने से आपका प्री हिस्ट्रिक टाइम जो है कवर हो जाएगा नीट या सेट 2019 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो भारतीय आर्कियोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा प्राइम रोच और रॉबर्ट ब्रसपुट और प्राइम रोच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये बागौर से मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है, और सेकेंड जो है लंगराज, ये गुजरात में है। और यहाँ पे और एक जगह में मिलता है, ये है लोथेश्वर। तो अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन की जो एविडेंस में मिलता है बागौर से मिलता है, और लंगराज गुजरात, ये गुजरात में है, और लोथेश्वर से मिलता है। उसके बाद अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड, तो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड हमें कहाँ से मिलता है? और जहाँ से हमें एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में मिलता है, और जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है यहाँ पे भी इसके बारे में पता चलता है, और जो गौशाला भी यहाँ पे था, तो ये जगह था मेहरगढ़ से दोस्तों हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है किसके बारे में? एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में, महिष का वहाँ पे पालन होता था इसके बारे में, और जो बुल का मतलब डोमेस्टिकेशन होता था, और वहाँ पे एक गौशाला भी पाया गया है मेहरगढ़ में। उसके बाद मास माइक्रोलिथ प्रोडक्शन, तो माइक्रोलिथ दोस्तों एक छोटा सा वेपन होता है जो मेसोलिथिक एज में बनाया जाता था, तो इसका जो मतलब बहुत भारी मात्रा में पाया गया है ये बागौर से पाया गया है, मास प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथ्स। और माइक्रोलिथ से इस बार सेट में शायद एक क्वेश्चन आया था, शायद नहीं, सेट में एक क्वेश्चन आया था कि मेसोलिथिक एज का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये माइक्रोलिथ था। उसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोन फॉर ऐश माउंट, तो ऐश माउंट हमें मतलब कहाँ से मिलता है, कौन सी जगह ऐश माउंट के नाम से मशहूर है? तो ये उतनूर कुबगल कुरिकल ये ऐश माउंट के लिए मशहूर है, जाना जाता है। और उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वॉर, तो युद्ध के अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? तो ये सराय नहर राय, यहाँ से मिलता है युद्ध के अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलता है, जहाँ पे चार स्केलेटन पाए गए थे, ह्यूमन स्केलेटन पाए गए थे चार, और यहाँ से युद्ध के अवशेष हमें मिलते हैं। और एक जगह है दोस्तों महादा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महादा से बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को। महादा में जो पैलियोलिथिक एज का जो मतलब मेसोलिथिक एज का प्रमाण मिलता है, जो एकदम प्राचीन मेसोलिथिक एज जो मध्य प्रस्तर काल था, उसके जो प्रमाण हमें सराय नहर राय से मिलते हैं और महादा से मिलता है। दोस्तों महादा से बहुत कुछ मिलते हैं, पहला यहाँ पे ऑर्नामेंट स्केलेटिन जो मिलता है, इसमें ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, अलंकार थे स्केलेटिन में जो महादा से मिलता है। उसके ऊपर महादा से जो डियर्स के स्किन को पोशाक के तौर पे यूज़ करते थे, क्लोथ ऑफ डियर स्किन, इसका एविडेंस हमें महादा से मिलता है। और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है, ब्यूरियल ऑफ कपल के जो एक साथ ब्यूरियल के जो एविडेंस है ये महादा से मिलता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 41 ह्यूमन ब्यूरियल एंड 4 कपल ब्यूरियल, तो 41 ह्यूमन ब्यूरियल मिलते हैं और 4 कपल ब्यूरियल, ये कहाँ से मिलता है? तो ये दायमाबाद दमदमा से मिलता है दोस्तों, दमदमा एक ऐसा साइट है जहाँ से हमें 4 कपल ब्यूरियल मिलते हैं और 41 ह्यूमन ब्यूरियल यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट पेंटिंग, तो अर्लीस्ट पेंटिंग के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये भीमबेटका से मिलते हैं, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हर्थ, चूल्हे का, ये हट नहीं होगा, हर्थ होगा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हर्थ, एच ई आर टी एच,
तो ये हर्थ का जो अवशेष मतलब एविडेंस हमें मिलता है एकदम अर्लीस्ट, ये पैसरा से मिलता है। पैसरा से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थ का ये मिलता है। उसके बाद ग्रेन्स, ग्रेन्स कौन से हमें मिलते हैं, मतलब किस क्रम में मिलते हैं, तो पहले जब, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल और उसके बाद मक्का। पहले जब मिलता है, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल और उसके बाद मक्का। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और एग्रीकल्चर का जो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे जहाँ जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, तो पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें मिलता है लहरा देव से। लहरा देव से यहाँ पे पहले कृषि का एविडेंस हमें मिलता है, उसके बाद मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत हुई और उसके बाद कोल देवा। पहले लहरा देवा, मेहरगढ़ और कोल देवा, ऐसे कृषि की विस्तार होने लगी। तो ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है लहरा देव। और उसके बाद 13 नंबर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ चावल के अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं कोल देवा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी कम्स फ्रॉम, तो अर्लीस्ट एविडेंस जो पॉटरी का हमें मिलता है वो चोपानी मंडो से मिलता है। पॉटरी का सबसे पुराना हमें एविडेंस मिलता है चोपानी मंडी से। और उसके बाद बिहार के चिराग में कंकाल के उपकरण मिलते हैं हमें, बिहार के चिराग में कंकाल के उपकरण हमें मिलते हैं बिहार के चिराग से। और उसके बाद डॉग एंड मास्टर ब्यूरियल, एक ब्यूरियल हमें मिलता है जहाँ पे डॉग और उनके मास्टर को एक ही साथ ब्यूरियल किया गया है, तो वो जगह है बुरजहम। बुरजहम में डॉग एंड मास्टर ब्यूरियल मिलता है। और उसके बाद एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, और एक जगह जहाँ से हमें एग्रीकल्चर के और एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिलते हैं वो है गल्फ करल, गल्फ करल। और उसके बाद गॉडफादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गॉडफादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम ने ही पहली जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद रिसेंटली ये फॉसिलाइज्ड बेबी स्कल फाउंड फ्रॉम, तो बहुत ही मतलब रिसेंटली एक बेबी स्कल फाउंड मतलब मिला है हिस्टोरियंस को, वो उदय से मिला है, उदय से रिसेंटली एक बेबी स्कल मिला है। और उसके बाद ह्यूमन फॉसिल ऑफ स्कल, तो ह्यूमन फॉसिल मतलब स्कल के फॉसिल्स मिलते हैं हमें हाथनोरा से, हाथनोरा से हमें होमो इरेक्टस के स्कल मिलते हैं। उसके बाद ब्यूरियल प्रैक्टिस स्टार्टेड बाई, तो ब्यूरियल प्रैक्टिस पहले किन्होंने स्टार्ट की थी, तो होमो नियंडरथलियंस, होमो नियंडरथलियंस इन्होंने पहले ब्यूरियल प्रैक्टिस शुरू किया था, होमो नियंडरथलियंस। और उसके बाद फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड, कहाँ से होमो इरेक्टस के फॉसिल डिस्कवर किए गए हैं, तो ये किया गया है चौकोतियन, चौकोतियन से होमो इरेक्टस के फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं। और उसके बाद द अर्लीस्ट हॉर्ट केम फ्रॉम, तो अर्लीस्ट हॉर्ट और एक जगह से मिलता है, वो है बिलासर ग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैल्कोलिथिक पीरियड से कौन से और सवाल आ सकते हैं। 24 हमने देख लिया है और 35 में 11 बाकी है, तो 11 फैक्ट्स हम यहाँ से जानेंगे। ये जानने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, तो हमें लगेगा कि जो मेहनत हम कर रहे हैं तो उसका कुछ लाभ हमें मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए चैल्कोलिथिक एज से, चैल्कोलिथिक पीरियड से जो नेट या सेट 2019 में कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें रट्टा मारनी है, तो आइए देख लेते हैं। अहर कल्चर, अहर कल्चर ये राजस्थान में ये मिलता है, राजस्थान में बहुत सारे जगह में अहर कल्चर के हमें एविडेंस मिलते हैं, अहर गिलांद और बलाथल से, अहर गिलांद और बलाथल इन जगहों में से हमें अहर कल्चर के जो एविडेंस ये मिलते हैं। उसके बाद जोरवे कल्चर जो महाराष्ट्र में है, और कहाँ कहाँ ये मिलता है देख लेते हैं। जोरवे, टाइमाबाद, निभासा, धवली और अहमदनगर, यहाँ से हमें जोरवे कल्चर के बारे में पता चलता है, इन इन जगह से साइट से ही है। और उसके बाद कायथा कल्चर, कायथा कल्चर मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में
ईरान, त्रिपुरी और उज्जैनी, इन जगह से ये साइट्स है कहा थे कल्चर के। और उसके बाद मालवा कल्चर जो कि और एक मध्य प्रदेश का कल्चर है, ये हमें इसके जो एविडेंसेस मिलते हैं मालवा से, नगर और नवदतली, ये मालवा कल्चर के साइट्स हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। मास प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का मास प्रोडक्शन कहाँ से पाया जाता है, तो ये इसका आंसर है अहर। इसको ताम्रवती भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे मास प्रोडक्शन होता था कॉपर का। उसके बाद अर्लीस्ट हाउस ऑफ स्टोन, तो पत्थर के पहले जो एविडेंस है ये हमें कहाँ से मिलता है चैल्कोलिथिक पीरियड में, ये आहर से मिलता है। और उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड में जो फायर अल्टर है अग्निकुंड, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये गिलान से मिलता है। पत्थर के घर पहले मिलते हैं हमें आहर से चैल्कोलिथिक पीरियड में, और फायर अल्टर मिलता है गिलान से। और उसके बाद जो मतलब मालवा से हमें रेड ब्लैक और ये मिलते हैं जो मिट्टी के मतलब बहुत ही सुपीरियर टाइप्स के मिट्टी के घड़े हमें मिलते हैं मालवा से, रेड ब्लैक वेयर। उसके बाद प्रोफेसर ऑफ बिगेस्ट प्रूफ ऑफ बिगेस्ट विलेज, तो सबसे बड़े गांव का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो ये है नवदतली, सबसे बड़ा गांव। ब्रोंज के रथ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ब्रोंज का रथ मिलता है हमें दायमाबाद से। जो ये यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है, तो अगर आपका लैंग्वेज बंगाली नहीं है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ब्रोंज का जो रथ है ये हमें मिलता है दायमाबाद से। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन के ढेर हमें मिलते हैं, ये कहाँ से मिलता है, ये भी नवदतली से मिलता है। बहुत सारे ग्रेन्स के जो ढीप हमें यहाँ से मिलते हैं। और उसके बाद सबसे प्रथम जो 45 जो गांव है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी था तब, तो इसके प्रमाण हमें मिलते हैं इनाम गांव से। इनाम गांव एक ऐसा जगह है जहां से हमें सबसे पहला जो 45 विलेज है उसके बारे में पता चलता है, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जो वर्णवाद काम करता था, तो उसके प्रूफ हमें इनाम गांव से मिलते हैं। और उसके बाद इस चैल्कोलिथिक पीरियड में जो सबसे बड़ा गांव है वो नवदतली, हमने पहले ही कहा था, इसको रिपीट किया। और उसके बाद आगे देख लेते हैं लार्जेस्ट ऑफ कॉपर हॉर्स फाउंड इन, तो मतलब लार्जेस्ट कॉपर हॉर्स मिलते हैं ये गुंजीमा से। गुंजीमा से बहुत सारे कॉपर हॉर्स मिलते हैं हमें। और उसके बाद झुकर कल्चर कहाँ पे डिस्कवर्ड होता है, तो ये चानहुदारों में, झुकर कल्चर चानहुदारों में डिस्कवर्ड होता है। गुंजीमा से मिलते हैं हमें लार्जेस्ट कॉपर हॉर्स, और जो चानहुदारों से हमें झुकर कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये थे प्री हिस्ट्रिक टाइम से टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस जो 2019 का नीट या सेट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही वाइटल है। तो इन क्वेश्चंस को आप रट लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आर्यन सोसाइटी है, वैदिक सिविलाइजेशन से कौन से वो 30 और 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस साल के एग्जाम के लिए। तो बने रहिए हम लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।